अभी तक हम बात कर चुके हैं कि आवेश होते हैं दो तरह के, प्लस और माइनस, और वो दो आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और वो रिपेल भी कर सकते हैं, एक दूसरे को धक्का भी दे सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद बता करा कि हमने चीजें आवेशित कैसे की जा सकती हैं, उन सब पे चर्चा कर चुके हैं अपन। और कूलाम ने बता दिया कि वो दो आवेश जो होते हैं उनके बीच बल का मान कितना होता है, यदि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो कितना बल लगाते हैं, और एक दूसरे को यदि रिपेल करें मतलब कि प्रतिकर्षित करें यदि एक दूसरे को, तो कितना बल लगाते हैं। तो उन्होंने पहले मैग्नीट्यूड मतलब अदिश रूप में उनका मान दिखाया, फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखा कि सदिश रूप में उस बल का मान कितना होता है, मतलब उस बल की डायरेक्शन क्या होती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन फॉर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, दो से अधिक चार्जों पर, है ना। और यदि इसको हम ये भी बोल सकते हैं, अभी हमने जो बात करी थी कूलॉम लॉ में वो दो चार्ज के लिए बात करी थी, ये पहला चार्ज है मान लीजिए और ये दूसरा चार्ज है Q1 Q2, तो हमने बात करी थी केवल दो चार्ज के लिए। यदि मान लीजिए यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस हो, मल्टीपल चार्जेस हो मतलब कि बहुत सारे चार्जेस हो, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो, तो इस पर कैसे बल जो विद्युत आवेश का मान होगा, जो विद्युत आवेश बल लगा रहा होगा वो कैसे लगा रहा होगा, उसके बारे में चर्चा करना है ना। तो उसके बारे में चर्चा करने के पहले मैं आपको एक बार बुक पर ले जाता हूँ और एक बार बुक से रूबरू करवा दें अपन कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो बुक से अपन बात करें तो अपन जहाँ ये वाली चीज अपन पढ़ चुके हैं, सदिश कूलॉम का सदिश निरूपण, ये वाली चीज अपन पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला ये वाला आता है F21 = 1.4π ε0 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर लिखते हैं नीचे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस अपन ने, मुझे मालूम है आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो मॉड में था R21 और उसका क्यूब था, और फिर लेकिन आपको ये बात भी याद है कि जब हम यदि क्यूब लिखते हैं तीन कंडीशन वाली स्थिति होती है, तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन में आता है क्यूब और यहाँ पर जो है वो आर वेक्टर लिखते हैं। ये वाली जो कंडीशन लिखी हुई है, दूसरी वाली कंडीशन लिखी हुई है, इन्होंने इसको चेंज नहीं करा, किसको वेक्टर, ये वाला जो यूनिट वेक्टर R21 है इसको चेंज नहीं करा हुआ। अगर इसको चेंज करते तो यहाँ पर मॉड आ जाता, ये दूसरी वाली कंडीशन है, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा ही लिखेंगे, इसी फॉर्म का अपन यूज भी करेंगे मल्टीपल चार्जेस के लिए, वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट उदाहरण दिया हुआ है, हालांकि ये उदाहरण एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो जनरल नॉलेज की बात बताते हैं एग्जाम्पल, इसलिए जो है मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके सामने कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल। तो मैं इस एग्जाम्पल को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और आपको जो है वो पेंट स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ये अभी हम मल्टीपल चार्जेस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक उदाहरण देख लें। ये उदाहरण क्या बोल रहा है, ये उदाहरण बोल रहा है दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर विद्युत द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेश या फिर द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद है स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, इसको कंपेयर कर सकते हैं अपन, जो आवेशों के बीच में इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जो बल होता है दो आवेशों के बीच, वो जो है आवेश के बीच जो बल होता है वो अपन ने देखा था प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, Q1 उन चार्जेस के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये चीज देखी कि नहीं, यहाँ पर ग्रेविटी के बारे में भी यही बोला जाता है। जब उन्होंने ग्रेविटी, अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, तो वहां पर भी जब ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करी थी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए मैं FG लिख देता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था इसलिए FE लिख देता हूँ, है ना। FG के बारे में जब हमने बात करी थी तब भी यही हुआ था कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती था, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती था और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। दूरी आप डी भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो ये दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के लिए नियम था और ये जो है वो कूलॉम लॉ है, कूलॉम आवेशों के लिए, आवेशों के बीच के उपस्थित बल को दर्शाता है। जाहिर सी बात है जब दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम है तो कुछ ना कुछ रिलेट भी करते होंगे, बस उसी रिलेशन पे आधारित ये उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। अंतर क्या रहता है यहाँ पर, अंतर जो है वो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, जिसका मान आपको पता है 9 × 10⁸ 9 × 10⁹ था और उसकी इकाई निकालना आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है और इसका जो मान था वो मैंने 9th क्लास में आपको याद करवाया होगा, 9th क्लास में बताया भी होगा, है ना। तो क्वेश्चन जो है वो इसी पर रिलेट कर रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, फिक्र मत करो, जी का मान बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे और हमको यहाँ पर उसकी जरूरत भी नहीं है जी के मान के याद करने की,
हमको तो केवल देखना है कि हम दोनों आवेश दोनों बलों में कंपेयर करके देख रहे हैं कि दोनों बल कैसे अलग अलग हो सकते हैं, कैसे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आपको याद होगा एक बार थोड़ा सा अपन ने नाइन क्लास का रिवाइज, नाइन क्लास की बात कर लेता हूँ मैं। नाइन क्लास में जब अपन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान निकाल रहे थे तो अपन को पता चला था कि उसका जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 20,000 गुना कम होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। मतलब हाथी के सामने सीटी वाला द्रव्यमान वाला उसका डेरिवेशन आया था उन्होंने, तो कंपेयर करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को बटे में लिखा हुआ था, वही यहाँ पर भी करेंगे हम, है ना। तो यहाँ तक जो बोल रहा है क्वेश्चन वो तो ये बोल रहा है कि भैया जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम है दोनों ही, भले ही आवेश के लिए और ये द्रव्यमान के लिए, लेकिन व्युत्क्रम वर्ग तो नियम है ही, इसको कंपेयर करके देख सकते हो क्या। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात कीजिए, मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए और इनकी प्रबलता की तुलना कीजिए, कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है, है ना, प्रबलताओं की तुलना कीजिए। और इसी में इन्होंने बोला हुआ है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, पहले वो आवेश क्या लीजिए आप, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लीजिए, फिर उसके बाद दो प्रोटॉन लीजिए, दो प्रोटॉन के लिए करना है। फिर उसके बाद बी वाले का मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, इस पर त्वरण वाली बात है, त्वरण कैलकुलेट करना है, इस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना, उसको ज्यादा ही डीप में हो जाएगा तो इस पर फोकस मत करिएगा आप चाहो तो बाद में बुक में देख सकते हो, आसानी से बन जाएगा जब मैं आपको ये वाला बता दूंगा, इसके बाद ये वाला आसानी से बन जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया उन्होंने और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया आपको काय में किलोग्राम में दे दिया। तो अब देखो अब अपन को पहला केस ले लेते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, है ना, अपने पास क्या है उदाहरण ले लेते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है सॉरी यहाँ पर दो आवेश रखे हुए हैं, ये दो आवेश हैं, पहला आवेश ये है और एक आवेश ये है, मतलब ये मान लीजिए, चलो गोल बना देता हूँ मैं इसको, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है और ये जो है वो प्रोटॉन है, पी प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना, ये क्यू वन है मान लीजिए और ये क्यू टू है, ऐसा ही बोल सकते हो आप। Q1 पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, बिल्कुल होगा उसका डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा बिल्कुल। अगर हम इसके बारे में अपन कूलॉम लॉ पढ़ चुके हैं, तो अगर हम फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें, है ना, विद्युत आवेश के बल की बात करें, तो वो कितना है? एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जब अट्रैक्ट कर रहे होंगे ये, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इनके बीच के जो बल होगा वो कितना होगा, 1/4πε₀ Q1 Q2 यहाँ पर Q1 क्या है, माइनस में होगा, बिल्कुल माइनस में होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ही होगी, ठीक। अगर इसकी बात करें हम जो Q1 Q2 की बात करें, तो ये दोनों ही आवेश जो है वो यहाँ पर जो आवेश जो है वो परिमाण में गिने जाते हैं, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं, इसके कारण से हम क्या करते हैं, इसके माइनस चिन्ह को जो है वो नेगलेक्ट करते हुए चलते हैं, कि हम मान लेते हैं कि कोई चिन्ह यहाँ पर है ही नहीं, पॉजिटिव में ही लेके चलते हैं इसको, ये माइनस क्या दिखा देता है, बस इस पे नेगेटिव आवेश दिखा देता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं अभी अपन। ये जो है वो अपन ने ये ले लिया, फिर उसके बाद क्या करा, इसको अपन ने Fe को सॉल्व, इसको अगर अपन ऐसा लिखना चाहे तो माइनस को अगर बाहर लिख लें तो 4πε₀ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये अपन ने क्या निकाल लिया, विद्युत के लिए आवेश के लिए बल निकाल लिया, है ना। यदि हम ग्रेविटेशनल की बात करें, दोनों ही बल, अब देखना यहाँ पर जो है वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो वो उसमें जो कॉन्सेंट आता है वो जी आता है, जी, और यहाँ पर जो अब आएगा वो मास आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना फॉर्मूला, दोनों के मास के, मास का मल्टीप्लीकेशन और इसकी दूरी कितनी, अभी भी आर का स्क्वायर ही है ना, तो एफ जी इतना जाएगा और एफ ई कितना जाएगा, एफ ई जो है वो इतना जाएगा नीचे वाला। अच्छा यहाँ पर जो है वो जी के केस में भी जो है वो अट्रैक्शन हो रहा होगा, अट्रैक्शन जो है वो माइनस को दिखाना पड़ेगा अपन को, हमेशा ही जो है वो आकर्षण होता है गुरुत्वाकर्षण बल में, दो पिंडों के बीच आकर्षण होता है ना, मैंने बताया था आपको क्लास में भी, अगर हम रखे हुए हैं कंप्यूटर रखे हुए हैं या फिर हम भी बैठे हुए हैं तो हमारे बीच भी क्या होगा, आकर्षण होगा, हम एक दूसरे पिंड जो पिंड होते हैं, अगर हम ऐसे पिंड लें अपने आप को तो हम दूसरे पिंड को क्या कर रहे होंगे, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होंगे, चाहे वो पिंड अब कंप्यूटर भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, इंसान भी हो सकती है, फिर हम एक दूसरे की तरफ खिसे क्यों नहीं चले जाते हैं, चिपक क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि जो बल लग रहा होता है वो बल का मान कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण से हम नहीं चिपकते हैं, एक दूसरे की तरफ सरकते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो ये दो बलों की अगर हम कंपेरिजन करें, कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं, हम बटे में करके कंपेरिजन कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे एफ ई डिवाइड कर देंगे एफ जी से, एफ ई को डिवाइड कर दिया एफ जी से, एफ ई कितना आया था अपना, माइनस
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू। अगर समझ में नहीं आया तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज नहीं आती है एग्जाम में, अपन केवल जनरल नॉलेज की दृष्टि से पढ़ रहे हैं बस। और जो जी का मान था वो कितना था, माइनस जी एम पी एम ई मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। इसको यदि हम लिखें तो ये आ जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी, दोनों का अनुपात जो आएगा वो आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे चला जाएगा बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या लिखा रहेगा जी लिखा रहेगा, जी लिखा रहेगा क्यू वन क्यू टू एज इट इज रहेगा, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एम पी एम ई। ठीक है, अगर हम दोनों इन दोनों का अनुपात करें तो ये कुछ अपने पास फॉर्मूला आएगा, वन का मल्टीप्लाई करें। अच्छा, आवेश का परिमाण हमको क्या दिया हुआ है, आवेश का परिमाण यदि हम बात करें ई आवेश होता है, याद है क्वांटीकरण जो अपन ने पढ़ा था, क्वांटीकरण जब आवेश का वो देख रहे थे अपन, आवेश का क्वांटीकरण देख रहे थे, तीसरा गुण था आवेशों का, तो अपन ने वहां पर लिखा था जो आवेश होता है वो क्यू बराबर से होता है एन इंटू ई, एन जो है वो संख्या होती है और ई क्या होता है चार्ज होता है। यहाँ पर जो है हम इसको जो है वो e के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, q1 q2 को कैसे लिख सकते हैं e के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो f e और f g का अनुपात क्या हो जाएगा, f e और f g का अनुपात हो जाएगा, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं होने वाला है, e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी इंटू एम पी इंटू एम ई मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जब हम इसमें मान रखते हैं, पहली बात तो e का मान कितना होता है, e का मान आपको पता होना चाहिए, किसी को याद है e का मान कितना पढ़ा था, याद होगा e का मान कितना था, किसी को तो याद होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है, e पता है कहां पढ़ा था, कूलाम में होता है इसका मान, चलो दिखा देते हैं, यहाँ देखिए जब अपन आवेश का क्वांटीकरण पढ़ रहे थे, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर जो है हमने ई से दर्शाया था, क्यू इक्वल टू एन ई लिखा था, है ना, और ई को बोला था कि ई जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकता है, प्लस ई प्रोटॉन के लिए और माइनस ई इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, और जो ई का मान होता था वो होता था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, शायद अब याद आ गया होगा, है ना, ई का मान ये होता था। इसके बाद यदि हम बात बाकी के मान के बारे में चर्चा करें, 4 पाई का मान तो 4 पाई होगा, जाहिर सी बात है पाई का मान रख देंगे अपन 3.14 ही रखेंगे अभी के लिए, एप्सिलॉन नॉट या फिर आप इस पूरे का मान रख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या रख सकते हो, 9×10⁹ रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बार आपको 1.67 × 10⁻²⁴ किलोग्राम किसका होता है, प्रोटॉन का होता है, और इसका 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम होता है ना, दोनों के इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास दिए हुए हैं वो पुट करेंगे इसमें, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी का मान भी रखेंगे, जी का मान याद है किसी को कितना होता है, जी का मान भी याद नहीं होगा, लेकिन ये मान आपको याद करना पड़ेंगे, अगर मान गड़बड़ हो जाएंगे, अगर देख लीजिए कैपिटल जी वैल्यू, कैपिटल जी का मान स्मॉल जी का बता दिया इन्होंने, स्मॉल जी नहीं चाहिए हमें, कैपिटल जी का मान चाहिए, कैपिटल जी का मान होता है 6.75 × 10⁻¹⁰ न्यूटन किलोमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, याद होगा ये वाला, अब 6.67 करेंटली एक्सेप्टेड, ये वाला 6.67 × 10⁻¹⁰ ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, ये चीज आपने पढ़ी हुई है। तो अपन देखो यहाँ पर आपको e का मान पता चल गया कूलाम में, 1 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है आपको, g का मान पता है, mp का मान पता है, me का मान पता है, जब सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आंसर कुछ आएगा आपका, मैं जाहिर सी बात है मान पूरे रख के नहीं बता रहा हूँ, रख के बताऊंगा तो एक पूरा टाइम इधर ही निकल जाएगा, जब आप इसका मान पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.4 × 10⁻¹⁹ 2.4 × 10⁻¹⁹ कुछ करके आएगा।
है ना, जब अपन सारे मान रख देंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब अपन मान रखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और उतनी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती, है ना। डायरेक्ट मैं आपको मान रख के बता रहा हूँ, मतलब क्या है, मकसद क्या है, जब आप उनको आ रही नहीं है वो चीज बताने के लिए, मकसद है आपको अनुमान बताना कि देखो एक बार एफ पी अपन एफ, इसको मैं लेके जाता हूँ वहां पर ऊपर ताकि समझा सकूं। यदि हम एफ पी और एफ जी यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में अंतर ज्ञात करें तो ये आता है दोनों का अनुपात। इसका मतलब क्या है, यदि हम एफ ई की बात करें, इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें, तो वो 2.4 × 10⁻³० टाइम, याद रहे यहाँ पर माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस है ना, 30 टाइम, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है ये। इतने टाइम होता है किसका, एफ जी का, है ना। मतलब कौन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 2.4 × 10⁻³ गुना ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स के, है ना। गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, 2.4 × 10⁻³ गुना ज्यादा होता है। बात समझ रहे होंगे आप, जहां पर मैं आपसे 9th क्लास में बात करता था, अगर ग्रेविटी की बात करो, दो पिंड आपस में एक दूसरे को, वो पिंड फिर से वही बात, कोई भी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, ये लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ है, ये दो पिंड हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, ये मॉडेम हो सकता है, ये कोई भी पिंड अगर आसमान में मौजूद है, अपने आसपास मौजूद है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यही बताया था गुरुत्वाकर्षण नियम के तहत न्यूटन ने, है ना। दो पिंड अपने आप को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। और उनके बीच के बल का मान जो है वो एफ इक्वल टू जी एम वन, उनके मास के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अपन देख चुके हैं। फिर हम एक दूसरे को खिसक क्यों नहीं रहे, आसपास क्यों नहीं आ रहे एक दूसरे के, क्योंकि जी का मान जो होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यदि इसी चीज में यदि मैं विद्युत आवेश की बात करूं, आवेशीय आकर्षण की बात करूं, कि विद्युत वाहक, विद्युत जो बल लगता है, विद्युत बल कितना होता है, उसको अगर कैलकुलेट करूं आवेशों के माध्यम से, तो वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है और वो सेम डिस्टेंस पर रखे हुए, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 2.4 × 10⁻³ गुना कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, इतना या फिर इससे ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज्यादा गुना होगा, इतने गुना ज्यादा होगा, कितने गुना, 2.4 × 10⁻³ गुना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। आप दोनों चीज बोल सकते हो, दोनों चीज कैसे बोल सकते हो, दोनों चीज क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो विद्युत बल होता है, जो विद्युत बल होता है वो इतने गुना ज्यादा होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इतने गुना कम होता है। अब यहाँ पर एक बात याद रहे, अपन ने जो केस लिया वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का लिया हुआ है ना, पहला वाला केस लिया हुआ है, कौन सा, ये वाला, ए फर्स्ट वाला। हमको अभी दूसरा केस और बताया हुआ है, दो प्रोटॉनों के लिए भी बताओ, दो प्रोटॉन के लिए कितना होगा। तो अब जो हम क्या करेंगे, दो प्रोटॉन के लिए केस लेंगे, यदि फिर से हम वही चर्चा करेंगे पूरी प्रोटॉन के बारे में भी, कि प्रोटॉन के लिए दो प्रोटॉन ले लेंगे, यदि यहाँ पर एक प्रोटॉन ले लिया और यहाँ पर भी एक प्रोटॉन ले लिया, फिर उसके बाद जो है वो उसकी वैल्यू रखेंगे यदि हम, तो आखिरी में जो हमको अनुपात आएगा, मैं डायरेक्ट अनुपात की बात कर रहा हूँ आपसे, निकाल नहीं रहा हूँ मैं, आप चाहो तो, आप अगर टाइम मिल जाए, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है अगर फिजिक्स में ज्यादा, तो आप जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सारे मान आपको बता दिए गए हैं क्या क्या होते हैं, जी का मान भी बता दिया है, MPME जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। हालांकि वो केवल जिज्ञासा के लिए होगा, केवल आपके रोचक बनाने के लिए होगा, एग्जाम में नहीं आता है। जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये दो प्रोटॉन के बीच जो इन दोनों का अनुपात आएगा वो करीब करीब आएगा 1.3 × 10⁻³, 1.3 × 10⁻³, थोड़ा सा कम हो जाएगा स्लाइडली, यहाँ पर 10⁻³ था, है ना, प्लस माइनस के बीच जो विद्युत भाग, जो विद्युत बल होगा, विद्युत भाग बल नहीं, विद्युत जो बल होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा अगर हम दो प्रोटॉन की तुलना में कंपेयर करें तो। इधर भी वही बात, यदि मैं बात करूं एफ ई को लिखना चाहूं, मैं इसको एफ जी के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो दो प्रोटॉन के बीच अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो तो वो इतना कम होगा, इतने गुना कम होगा किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से, उनके बीच लगने वाले विद्युत बल से इतना गुना कम होगा, दो प्रोटॉन के बीच जो बल होगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी क्या होगा, मतलब पूरी की पूरी बोलने वाली बात ये है, इसका केवल और केवल जो निष्कर्ष निकलता है उदाहरण का
वो केवल और केवल ये निकलता है कि यदि हम दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल की तुलना करें, दोनों में तुलना करें, तो विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान की तुलना में अत्यधिक ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। कितना ज्यादा होगा, यदि हम एक आवेश धनावेश और एक ऋणावेश लें तो उनके बीच का जो तुलना होगी वो जो जितना कितना गुना ज्यादा होगा, 2.4 × 10⁻³⁹ गुना ज्यादा होगा। और यदि दोनों आवेश समान है, प्लस प्लस है, तो 1.3 × 10⁻³ जो है वो 1.3 × 10⁻³ गुना जो है वो ज्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण के। बस इसका जो आपका जो देने का मकसद था वो केवल यही बताना था कि जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, विद्युत बल बहुत ज्यादा होता है। बुक पे जाते हैं, नीचे जो दिया हुआ है वो त्वरण के बारे में है। त्वरण आप निकालना जानते हो, मैं अभी ये नहीं करवा रहा हूँ, आपको करवाने की जरूरत भी नहीं है, है ना, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, धातु का आवेशित गोला ए नायलॉन, इसको पढ़ के सुनाने की जगह डायरेक्ट आपको जो है वो डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो आपके सामने एक धातु का गोला लगा हुआ है, यहाँ पर देखो आवेश कितने हैं, चार आवेश हैं, यहाँ पर चार धनावेश दिख रहा है ना, ये दिखे हुए, एक चिमटे से आपने जो एक आधार मतलब उसको गोले को पकड़ा हुआ है ऐसी चीज से जो कि क्या है कुचालक पदार्थ है, उससे पकड़ा हुआ है आपने इसको, है ना। और इस पे बी वाले पिंड पे कितने आवेश है, केवल दो धनावेश है, इस पर चार धनावेश है, इस पर दो धनावेश है, इसको ए गोला बोल रहा है, इसको बी गोला बोल रहा है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करा, आपने एक दूसरा सी गोला लाया ए के पास और उसको टच कर दिया, तो टच कर दिया, पहले सी पर कोई आवेश नहीं था, जैसे आपने टच किया तो इस पे जो चार आवेश थे वो आधे आधे बढ़ गए, दोनों पे आधे आधे हो गए, दो दो आवेश इस पे आ गए ए पे, दो आवेश सी पे आ गए। उसके यदि बात करें बी पे, बी के नजदीक भी एक गोला लाया आप, और क्या हुआ उस आवेश के कारण से, क्या हुआ वो आवेश टच जैसे करा आपने, उदासीन गोला था डी पहले, जैसे टच करा तो आवेश जो है वो कैसे कैसे हो गए, आधे आधे बढ़ गए, पहले दो थे तो एक एक बढ़ गए। अब क्या बोल रहा है वो तीसरी कंडीशन में, आप क्या करो, जो बी गोला था COD को हटा दो, अब ए और बी को जो है उनकी दूरी को पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब उन्होंने दूरी को जो है वो कम करके कितना कर दिया है, 5 सेंटीमीटर कर दिया है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं वो, जब 5 सेंटीमीटर कर दिया है तो अब बोल रहे हैं कि एक कूलाम के नियम अनुसार ए कितना बल अपेक्षित प्रतिकर्षण होगा, कितना बल मतलब सीधी सी बात ये बोल रहे हैं कि कूलाम के नियम के द्वारा जो आप बल होगा दोनों आवेशों के बीच बल होगा वो कितना होगा, है ना। तो इस सवाल को अपन पहले सॉल्व करके देखते हैं अपनी मर्जी से। सॉरी यहाँ पर दो आवेश की बात कर लेते हैं अपन, दो आवेश दिए हुए हैं आपको, दो गोले दिए हुए हैं ए और बी, इसको ए बोल दिया है और इसको बी बोल दिया है, इस पर आवेश जो है वो मान लिया क्यू है और इस पर आवेश जो है वो क्यू डैश है, क्यू है और क्यू डैश। इन दोनों के बीच अगर मैं बल की बात करूं तो बल कितना होगा, वो होगा ये अभी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए थे, है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए थे। यदि मैं बात करूं इनके बल की, इनका बल कितना होगा, एफ निकाल रहा हूं मैं, एफ ई निकाल रहा हूं, जाहिर सी बात है एफ ई निकाल रहा हूं, तो इसका मान कितना होगा, 1/4 πε₀, ये तो अपन कूलम नियम के जानते ही है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि क्यू क्यू डैश मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, वो थी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करा आपने, मैं अभी मान ले रहा हूँ इनका जो दूरी थी वो आर स्क्वायर ही थी, आर थी, है ना। अब क्या करा, अब आपने इनके आवेशों के मान को आधा कर दिया, मतलब अब पहले कंडीशन में आपके पास फोर्स कितना आया, इतना आया। अब आपने क्या करा दूसरी कंडीशन के लिए, इनके आवेश दूसरी वाली कंडीशन को ध्यान से देखना, इनके आवेश को आधा कर दिया, मतलब अभी भी है तो ए बी पिंड ही, लेकिन आपने आवेशों को आधा कर दिया, मतलब पहले क्यू था तो अब कितना हो गया q/2, पहले Q डैश था तो आप कितना होगा q/2, आधे आधे कर दिए। ऊपर से आपने डिस्टेंस भी कितनी कर दी, पहले यदि R थी डिस्टेंस तो R को आपने आधा करके कितना कर दिया, r/2 कर दिया। अगर मैं अब इन दोनों के लिए नया फोर्स निकालूंगा तो वो कितना आएगा, एफ ई डैश की बात कर लेते हैं, एफ ई डैश जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1/4 πε₀, तो ये तो कॉन्स्टेंट ही है, ये तो चेंज होना ही नहीं है, ये तो इतना ही चलना है, 1/4 πε₀ आ गया। q1 × q2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो q/2 और q′/2 अब चेंज हो गया ना, ये मामला इधर इतना हो गया। फिर उसके बाद r/2 का होल स्क्वायर करेंगे। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, एफ ई डैश इक्वल्स टू
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू बाय टू, क्यू बाय टू वन बाय फोर हो जाएगा, और नीचे आके कितना हो जाएगा, वन बाय फोर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा q और q डैश, बटे में क्या आ जाएगा, ये चार बटे में जाएगा ना, दो दोनों चार, नीचे आ गया चार बटे में। अच्छा ये r स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कितना रहेगा, चार रहेगा, बटे में चार रहेगा, होगा ना, दो दोनों चार, चार से चार क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि जो अब नया बल आएगा वो कितना आएगा, एफ ई डैश कितना आएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू डैश, वन टू नहीं, क्यू और क्यू डैश लिखा मैंने, बटे में क्या बचा हुआ, आर स्क्वायर। अच्छा अब देखना, मान देखना जरा इसका, इसका मान देखो नए वाले एफ का, और ऊपर वाले का मान देखो, सेम आ रहा है कि नहीं, वन पर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डैश आर स्क्वायर, दोनों सेम आ रहा है ना। मतलब क्या, डिस्टेंस आपने भले ही आधी कर दी, आवेशों का मान भले ही आधा कर दिया, लेकिन बल का मान अभी भी सेम आ रहा है, बल जितना पहले था उतना ही अभी भी लग रहा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, आपने डिस्टेंस आधी करी तो आपने चार्ज भी आधा कर दिया है। देखो यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर इन डिस्टेंस और आवेश में से कोई एक चीज आधी करी होती, या तो डिस्टेंस ही आधी कर दी होती, या फिर आवेश ही आधा कर दिया होता, तब बल का मान चेंज हो जाना था, बिल्कुल चेंज हो जाता है ये। लेकिन आपने क्या करा, डिस्टेंस आदि करने के साथ साथ दोनों के आवेशों को भी आधा कर दिया, जिसके कारण से जो है वो इसका मान जो है वो सेम आ गया, बल जितना पहले लग रहा था उतना ही बल जो है वो बाद में लग रहा है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा सा उदाहरण है समझने के लिए। तो ये यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया हुआ है, पहले एफ डैश जो निकाला हुआ है उसका मान इतना आ रहा था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और अब जो एफ डैश निकाला हुआ है उसका मान भी कितना आ रहा है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि एफ के बराबर है। अभी के अभी तक जो हमने बात करी, आज जो बात करी वो केवल जीके की बात करी, जनरल नॉलेज की बात करी, कुछ बुक से सीखने वाली बात नहीं करी। क्या बात करी हमने, हमने जो दो बल होते हैं, कौन सा, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों की तुलना करी कि ज्यादा कौन सा होता है, और निष्कर्ष क्या निकला, विद्युत बल जो है वो बहुत ज्यादा होता है किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि यदि दो पिंडों के बीच दूरी को यदि हम आधा कर दें, और यदि हम उनके द्रव्यमान, उनके जो आवेश का परिमाण है उनको भी आधा कर दें, तो हम देखेंगे कि बल का मान चेंज नहीं होता है, बल उतना के उतना ही रहता है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यदि हम दो पिंडों के बीच की दूरी को दुगना कर दें और उनके द्रव्यमानों को भी, जो उनके जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है क्यू वन क्यू टू के, उनको भी दुगना कर दें, तब भी बल का मान जो है वो सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल और जो विद्युत बल है उसमें एक मेन डिफरेंस ये है कि जो विद्युत बल होता है उसमें आकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है ना। जब सजातीय आवेश आएंगे पास पास, तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, और यदि विजातीय आकर्षण सामने आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, दो पिंड हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हमेशा क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये आपकी आधी बात आज की खत्म हुई, अब आधी बात के लिए एक बार फिर से ज्वाइन करिए आप।